और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोबेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामचंद्र भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पा लेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रामझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदा बाजार में धारा 144 का उल्लंघन करते हुए अवैध मुरुम उत्खनन के विरुद्ध भटगांव थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। खनन में लगे जेसीबी और 3 ट्रैक्टर को किया गया है जब्त। देखिए रिपोर्ट। बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत आने वाले बिलाईगढ़ तहसील के ग्राम सलोनी कला में सरकारी भूमि पर अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध भटगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। खननकर्ताओं के 1 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर मौके से जब्त किया गया है। एसडीएम केएल सोरी ने बताया कि बिलाईगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम सलोनी कला के ग्राम प्रमुखों के द्वारा 16 अप्रैल को रात लगभग 10:30 बजे मुरुम के अवैध उत्खनन की सूचना दी गई। इस पर रात्रि में राजस्व एवं पुलिस अमला के द्वारा मौका पर पहुंचकर जांच की कार्रवाई की गई। जांच के दौरान मौके पर 1 जेसीबी और 3 नग ट्रैक्टर ट्राली को उत्खनन कार्य में संलग्न पाया गया। वर्तमान में जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू है, जिसके तहत लॉकडाउन प्रभावशील है। ऐसी स्थिति में अवैध रूप से मुरुम का उत्खनन किया जाना अपराध की श्रेणी में पाया गया है। मौके पर जेसीबी एवं 3 ट्रैक्टर ट्राली लावारिस स्थिति में जब्त कर थाना भटगांव लाकर खड़ा कर दिया गया है। उक्त वाहन स्वामियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 83/2020 धारा 188/34 दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आरजे रामझाझर का आम नागरिकों से अपील है कि लॉकडाउन की स्थिति में कोई ऐसे कृत्य ना करें और वैधानिक कार्य ना करें जिससे वैधानिक कार्य आपके ऊपर हो। बिलाईगढ़ बलौदा बाजार से मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रामझाझर।